यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं इनकी वेबसाइट से तो आपको 50 रुपीज़ लगेगा पर पैक, और अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन आके रजिस्ट्रेशन करते तो 100 रुपीज़ है। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके थे, सो अब हम डायरेक्टली काउंटर पे जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन उनको आईडी दिखाकर हम लेते हैं एंट्री। आइए। सो ये फोटो आईडी आपको दिखाना है यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ से आपको तुरंत रजिस्टर हो जाएगा। सो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक बैग मिलेगा जिसके अंदर कुछ लिटरेचर और ये आईडी कार्ड मिलेगा। ये आईडी कार्ड आपको रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो चलिए अब करते हैं एंटर। सो हम आ चुके हैं नागपुर के वीडियो एंड फोटो फेस्ट में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पर आकर। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी और बहुत ही लेटेस्ट टेक भी है यहाँ पर। हैंड्स ऑन आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। सो चलिए एक एक स्टॉल हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, क्या नया टेक आया है, क्या हैंड्स ऑन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे। सो लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं सबसे धमाकेदार, सबसे एंटिसिपेटेड सोनी के काउंटर के साथ में। यहाँ देख सकते हैं कितना ग्रैंड सोनी का सेंटर जो है वो बनाया गया है। और हमारे साथ है सुभाष जी। सुभाष जी बिजी है काम में काफ़ी ज़्यादा। हम सुभाष जी को हमारे वीडियो में लेकर ही पूरा सोनी का टूर करेंगे और ये हमें बताएंगे कि क्या है सोनी के पास आज ऑफरिंग में, क्या आप हैंड्स ऑन यहाँ यूज़ कर सकते हैं और क्या सारा यू नो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रॉम सोनी वी हैव इन द स्टोर। सो कम ऑन, लेट्स गो। सुभाष जी सबसे पहले बताइए कि हमारे पास में आज सोनी में क्या क्या हम हैंड्स ऑन यूज़ करके देख सकते हैं। थैंक यू आयुष, सबसे पहले तो आपको, आप सोनी के स्टॉल पे आए, यहाँ पे विजिट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। तो आज हमारे पास सोनी के लेटेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले पे हैं जिनका आप हैंड्स ऑन कर सकते हो। उसमें तो सबसे पहले हमारा सबसे अवेटिंग मॉडल है 7 Mark IV। यस, बहुत 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 पापड़ बेलने पड़े थे हमें भी ये मॉडल है ना लेने के समय, बट यस रिमार्केबल, लाइक मैं यूज कर रहा हूँ लास्ट एक महीने से, फिनोमिनल प्रोडक्ट है, फिनोमिनल। वही कुछ लकी यूजर्स को मिल चुका है और कुछ अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। तो आज हमने डेमो के लिए लगाया है, जो भी हैंड्स ऑन करना चाहता है वो कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट हैं जैसे Alpha 1, जो सबसे प्रीमियम कैमरा है हमारा, 30 फ्रेम पर सेकेंड एंड 50 मेगापिक्सल। उसके अलावा हमारे पास एक 400 mm जो वाइल्ड लाइफ का सबसे प्रीमियम लेंस है, 400 mm G Master 2.8, वो भी हमारे पास डिस्प्ले में है। अगर कोई हैंड्स ऑन करना चाहता है उसका, वो भी कर सकता है। उसके अलावा हमारे अदर्स मॉडल 7S3, 7R3, 7R4, ऑल रेंज ऑन इन डिस्प्ले। थैंक यू। बढ़िया, बहुत। तो अभी हम सारा A1, आई एम वेरी एक्साइटेड टू यू नो डू टेस्टिंग ऑन A1। वो हैंड्स ऑन करना जरूर, 400 विथ A1 मैं टेस्ट करने जाऊंगा। एंड स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो, आपको वो बहुत ज़्यादा उसके मैं रिव्यूज भी देने वाला हूँ। सो चलिए सबसे पहले आई एम एक्साइटेड फॉर द A1 नाउ। पास में है यहाँ पर सोनी का सिनेमा लाइन कैमराज भी, FX3 FX6। तो सबसे पहले हम देखते हैं FX3 से, और इनके एक्सपर्ट है सिनेमा लाइन कैमराज के, उनसे हम जानते हैं कि ये कैमरा किस यूज़ में आता है, इसके स्पेसिफिकेशंस बेसिक क्या है और किसे ये कैमरा लेना चाहिए। देखिए आइडियली जैसे हम देख रहे हैं ये दोनों कैमरा FX3 और FX6 दोनों एक सिनेमा लाइन कैमरे के सेगमेंट में है। तो ये पहला कॉम्पैक्ट सिनेमा लाइन प्रोडक्ट है, इसके पीछे कई सारे रीज़न है। आइडियली एक फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म मेकर, हाई एंड वेडिंग्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अगर आपको कुछ भी आपकी कहानी आपको बतानी है, बतानी है, आपको ब्रॉडकास्ट करनी है, तो एक बेसिक और हाई एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होता है जिसको हम कहते हैं 4K 10B, जो FX3 के अंदर मौजूद है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें शुरुआत करें, जैसे ये देख रहे हैं सिनेमा लाइन FX3, इसके अंदर फुल फ्रेम का सेंसर है 36x24, और साथ ही में अगर हम लंबे समय तक ड्यूरेशन के लिए शूट करें तो कैमरा की लेफ्ट की दिशा में यहाँ पर कूलिंग फैन सिस्टम है और यहाँ पर एक कूलिंग फैन सिस्टम दिया गया है, ठीक है, नीचे की तरफ। इसके अगर आप लंबे समय तक शूट कर रहे हो, कोई ट्रेडिशनल शूट है, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, जहाँ पर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का शूट करना है, वहाँ पर ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ओके, उसके अलावा कैमरे के ऊपर ये अलग अलग स्क्रू माउंट्स हैं जहाँ पर आप अपनी खुद की एक कोई केज या मैट बॉक्स बना सकते हैं। और जो मेजर चीज़ है कैमरे के अंदर, जैसे हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं मोस्टली IL कैमरा में क्या है कि अब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो एक छोटा सा डॉट आ जाता है, बट इसमें टेलीलैम्प का सिस्टम है। तो टेलीलैम्प क्या है, जैसे आप देख रहे हैं टेलीलैम्प का मतलब ये है कि कैमरे की LCD के ऊपर एक लाइट आएगी और यहाँ पर एक छोटी लाइट आएगी, तो टोटल ऐसी चार लाइटें आएगी
जिससे हमें पता लगता है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम हमारे वीडियोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स फेस करते हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग बहुत बार होता है कि उनका मोमेंट मिस हो जाता है, लेकिन ये कैमरा में आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी LED लाइट्स दी हुई है जो आपको इंडिकेट करती है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक है, पीछे यहाँ पर एक है, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, और इनफैक्ट फ्रंट में भी अगर आप इसे व्लॉग भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट में भी वो रिकॉर्डिंग का लाइट जल जाएगी। और जैसे आप देख रहे हैं स्क्रू माउंट से ये ग्रिप पूरी निकल आती है, दो चार पाँच छः सात आठ ऐसे एडिशनल स्क्रू माउंट है जहाँ पर आप आपकी एडिशनल एक्सेसरी जैसे XLR माइक, मॉनिटर, बैटरी, पावर बैंक, ये सारी एक्सेसरी चीज़ें आप जोड़ सकते हो। साथ ही में अगर इसके लिए मैट बॉक्स वगैरह यूज़ करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि हमें ट्रेडिशनली क्या हो रहा है आजकल की ट्राईपॉड के अलावा गिम्बल और कुछ एक स्मूथ और क्लियर शॉट लेने के लिए गिम्बल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बट इस XLR की ग्रिप का फायदा यह है कि आप एक ही वक्त पे चार अलग अलग ऑडियो शूट कर सकते हैं। ओके, आमतौर पे देखते हो तो ये फंक्शन सिर्फ वीडियो कैमराज में होता है, बिल्कुल। यहाँ पर XLR1, XLR2, एक EP का जैक यहाँ पर, एक EP यहाँ पर, और चौथा जो माइक है EP यहाँ पर। ओके, तो आप एक साथ चार अलग अलग इनपुट्स ले सकते हैं। और जो बेहतरीन चीज़ है कि हम जैसे कैमरा की जो बटन्स है टाइनी होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी चीज़ मेंशन की गई है। तो देखिए, कैमरा में जब हम वीडियो सेट करते हैं तो हमें एक एक्सपोजर पैरामीटर सेट करना होता है उसका, जिसको हम शटर स्पीड, अपर्चर और ISO कहते हैं। ओके, लेकिन जैसे आप रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपकी जो पैरामीटर चेंज हो गए तो हमें लॉक करने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर कैमरे की सेटिंग में आप इंडिविजुअली शटर स्पीड, आयरिस और अपर्चर लॉक कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं AV ओपन है तो AV लॉक हो गया, दिख रहा है AV लॉक हो गया, AV लॉक हो गया, ISO लॉक और ये TV लॉक। तो तीन अलग अलग फंक्शन है, जैसे आप अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअली आप लॉक कर सकते हैं। और ये पहला ऐसा वीडियो कैमरा जिसमें आप 12 मेगापिक्सल की स्टील इमेज JPEG और रॉ का भी ऑप्शन है, रॉ ओके भी, और अलग अलग और ऑप्शन है जिसमें कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड वर्जन भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल आइडियली गुड फॉर कैमरा। और कुछ सिलेक्टेड लेंसेस है सोनी के जिसमें आप PZ माउंट होता है, जैसे कि पावर जूम लेंसेज, तो जैसे 28-135 और 16-35 जो T3.1 लेंस है उनमें ये लीवर जूम है। अगर आपके पास कोई पावर जूम लेंस आप यूज कर रहे हैं ओके, तो इसमें ये लीवर है, इस लीवर के माध्यम से जूम इन भी हो सकता है। ओके, दैट्स इट फॉर माय सो बहुत बहुत ही ज़्यादा शानदार कैमरा है ये। जितने भी हमारे सिनेमाटोग्राफर्स हैं जिन्हें काफ़ी प्रोफेशनल शूट्स करने होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशंस के शूट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आप देखेंगे यहाँ पर वेंट दिए गए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर और नीचे हीट सिंक के लिए बहुत अच्छी हीट सिंक होती है। सिनेमा लाइन कैमरा है तो इस पर एक्सेसरी माउंट करने के लिए आपके इन बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूज़ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर है, यहाँ है, ये ऊपर दो माउंट किए गए हैं, नीचे है। सो जितने भी सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है। और इसकी प्राइसिंग यहाँ पर दी गई है विच इज़ अराउंड 4 लाख रुपीज़ जस्ट फॉर द बॉडी। तो इसकी बॉडी आपको 4 लाख रुपये में मिलेगी। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो इंटरेस्टेड है ये कैमरा में, आई वुड हाईली रिकमेंड आप यहाँ पर आइए, हैंड्स ऑन इसका रिव्यू कीजिए, इसको टेस्ट करके देखिए, और तभी आपको ये समझ में आएगा कि FX लाइन क्यों डिफरेंट है बाकी इससे। इसमें 10-bit का जो कलर गैमट हमें मिलता है वो भी बहुत अमेजिंग होता है। सो सुपर कैमरा, चलिए अब चलते हैं FX3 से FX6 की ओर। कैमरा ये आइडियली डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म, इस पर्पज़ के लिए ये कैमरा है। कैमरे की जो मेन खासियत है वो है कि ये सिनेमा लाइन फुल फ्रेम कैमरा है, 36x24। और जो बेस्ट पास्ट है इस कैमरे की वो ये है कि इस कैमरे का जो नेटिव ISO है वो है ड्यूअल नेटिव ISO। ओके, तो कई चुनिंदा कैमरे ऐसे होते हैं जिसमें डायनामिक रेंज आपका एक लिमिटेड वक्त तो बढ़ता है, जैसे इस कैमरे का जो डायनामिक रेंज है 15+ स्टॉप है। इसके साथ ही कैमरे में जो ड्यूअल नेटिव ISO है, आप सुनकर थोड़े अचंभित हो जाएंगे, इसका जो ड्यूअल नेटिव ISO है बेसिक ISO 800 एंड एक्सटेंडेड ISO 12800। इतना डिफरेंस है। दूसरी चीज़, एक हमें जब एज अ फिल्म मेकर हम किसी भी कैमरे में शूट करते हैं तो ड्रामा क्रिएट करने के लिए कैमरे के अंदर या फ्रेम के अंदर ब्लैक होने बहुत जरूरी, ब्लैक विदाउट ब्लैक आप ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकते। उसी पर्पज़ के लिए फिर हम क्या है, अलग अलग पर्दे या अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस कैमरे के अंदर खुद का ND फिल्टर अवेलेबल है जो कि ऑप्टिकल है। ओके, ये रहा ऑप्टिकल ND, ये ऑप्टिकल ND है और ये वेरिएबल स्टॉप्स में, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऑप्टिकल ND जो है 1/4 स्टॉप से लेकर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर
1/4, इसका जो रेशो है 1/4 से लेके 1/128 तक आपके पास एनडी फिल्टर के स्टॉप्स अवेलेबल है। और इसमें हाल ही में इसका नया फर्मवेयर अपडेट हुआ है जो कि V2.0। आमतौर पर होता क्या है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ में शूट करते हैं तो हमें क्या है कि लंबे समय तक रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ती है ताकि हमारा कोई शॉट मिस ना हो। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमारा शॉट मिस हो जाता है, किसी कारण हम रिकॉर्डिंग का बटन ऑन जो होता है वो डिले हो जाता है। बिल्कुल, बट इस कैमरे के अंदर एक मेन्यू में ऑप्शन है। इस मेन्यू में यहाँ पर जब थर्ड मेन्यू ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट, तो कैशियर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो कैमरे में शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग और मैक्स 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड्स का कैशियर रिकॉर्डिंग। ओके, ये एक बेहतरीन और बहुत उपयोगी ऐसा एक फंक्शन है जो आइडियली एक वाइल्ड लाइफ या स्टोरी टेलर के पास होना ही चाहिए। इसमें होगा क्या कि रिकॉर्डिंग बटन दबाने से पहले कैमरे के पास 30 सेकंड का डेटा अवेलेबल है, 31 सेकंड्स। ओके, तो 31 सेकंड्स का बफर लेके कैमरा बफर लेकर चलता है और पीछे का डिलीट होता जाता है। एंड जब आप प्रेस करेंगे रिकॉर्ड, सो उसके 30 सेकंड्स पहले तक आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग होगी। यस, परफेक्ट, ग्रेट। और ये यहाँ से हम समझते हैं अगर आपका रिकॉर्ड होगा तो 5 सेकंड, जैसे आप देख रहे हैं मैक्स में 31 सेकंड्स है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और इसके अलावा इस कैमरे के अंदर जैसे आप देख रहे हैं 2 XLR ग्रिप है। अगर हम कोई ट्रेडिशनल शूट करते हैं, कहीं लॉन्ग हैंडल शूट जब होता है हमारे में, तो इस कैमरे की जो ग्रिप है वो रोटेट होती है। जैसे आप देख रहे हैं इस कैमरे की ग्रिप जो रोटेट होती है 180 डिग्री। हाँ, अगर मुझे कोई हैंगल शॉट लेने में ले सकता तो भी आप ले सकते हैं इजीली, कोई ग्राउंड लेवल शॉट लेने में ले सकता हूँ। और इसमें अब टच फोकस और टच स्कैन भी है, टच फोकस, टच लॉक। ओके, ये चीज़ें भी इसमें अवेलेबल हैं। अमेजिंग। और कैमरा में जैसे मैंने कहा ये सिनेमा 4K, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 4096x2160 में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही में कैमरे की जो फ्रेम रेट है आप उसको 24, 50, 60, 4K में इसमें 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट होता है। ओके, और फुल HD में जो है 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप आसानी से शूट कर सकते हैं। इसमें नया तरह का कार्ड इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है CF Express 8i। इसमें लगभग 600 Mbps तक का डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दैट्स इट फॉर माइंड। और साथ ही में इसमें होल्ड का ऑप्शन दिया है, जैसे हम मोबाइल में फ्लाइट का ऑप्शन होता है उस तरह से, ताकि किसी कारणवश अगर हम रिकॉर्डिंग के वक्त किसी बटन को छू जाने से कैमरे के जो पैरामीटर वो चेंज ना हो, इसके लिए होल्ड का ऑप्शन है। अदरवाइज के अलावा फ्लैग का भी ऑप्शन दिया गया है ताकि डायरेक्टर और एडिटर के अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। बिल्कुल, कि हमें कौन सी फाइल अपलोड करनी है, इसमें बुनियादी ढांचा क्या रखना है, इसके लिए भी बहुत ही अच्छी काम किया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। FX6 और इसकी ये बैटरी है। हाँ, इसमें दो वर्जन आते हैं। ये BPU 70 बैटरी है, ये लगभग 4 घंटे से ज़्यादा चलती है। कैमरे के साथ जो बैटरी आती है वो है BPU 35। ओके, जिसका बैकअप ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास। ये सारी जो एक्सेसरीज आप देख रहे हैं LCD, ये हैंडल ग्रिप जिसमें माइक और XLR का कनेक्शन है, और ये हैंडल ग्रिप, हैंडल, इट्स अ पार्ट ऑफ कैमरा। ओके, सो ये पूरा कैमरे का किट में ही आपको ये मिलेगा उसके साथ। और साथ ही में कैमरे में दो तरह से आउट है, एक HDMI आउट है, प्लस कैमरे में 12G SD आउट भी मौजूद है। ओके, और अगर आप मल्टीपल कैमरा शूट करना चाहते हैं और टाइम कोड इन करना है तो TC IN और TC OUT का भी ऑप्शन इसमें दिया गया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो कैमरा तो बहुत ज़बरदस्त है, ये काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। अगर आप शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहते हैं, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं, सो बहुत ही अमेजिंग कैमरा है ये। आई विश, मैंने अभी तक अभी इसे शूट नहीं किया हूँ, बट आई विश टू शूट विथ FX6 समडे, एंड हो सकता है हमारी इन्वेंट्री में ये जल्दी आ जाए कुछ समय में। बट इसकी प्राइसिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग है फॉर द यू नो द स्टफ़ विच सोनी इज़ ऑफरिंग इन FX6, 6 लाख इसकी प्राइस है, 6 लाख इसकी प्राइस है बॉडी का, जिसमें आपको ये हैंडल ग्रेप, ये ऊपर का ग्रेप, LCD स्क्रीन, लेंस छोड़ के आपको ये सब कुछ मिलेगा। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर विच इज़ गोइंग ऑन, बहुत अच्छा है। बैटरी उसके साथ एक इंक्लूडेड मिलेगी आपको, और इसके वजह से मुझे एक ये लगता है जो वेट इसका है ना, इसी वजह से आपको गिम्बल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितना वेट इसमें है आपके जर्क्स वगैरह ऑलरेडी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और प्लस जो ऑप्टिकल वेरिएबल ND फिल्टर का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो आप बिल्ट इन सेट कर सकते हो, दैट इज़ रियली अमेजिंग। आप धूप में शूट कर सकते हो, आप ओपन स्काई में शूट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप शूट कर सकते हो, और आपको ND फिल्टर्स या फिर आपका यू नो 180 डिग्री शटर रूम जो है वो आपको
यू नो उसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एनडी चेंज करना है और उतने स्टॉप पे मुझे उसको सेट करना है. सो अमेजिंग यू नो गियर बाय सोनी FX6 एंड आई होप टू शूट विद दिस समडे. ओके और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि FX6 जो है वो नेटफ्लिक्स अप्रूव कैमरा है. इसके मतलब कि अगर आप नेटफ्लिक्स के लिए या फिर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए आप अगर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हो तो इसके साथ जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो अप्रूव्ड रहने वाला है एंड यू कैन क्रिएट यू नो मूवीज़ एंड शॉर्ट फिल्म या फिर स्टोरीज़ फॉर दीज OTT प्लेटफॉर्म्स.